जय जगन्नाथ। तो आज मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ पुरी धाम और ये है हमारी माला। तो कई लोग हैं जिनका मैसेजेस आए हैं कि उनको माला चाहिए, तो शिवृंदावन धाम से ली थी माला। तो जितने भी लोग अगर वहाँ पर मिलेंगे, जितने मैसेज आए हैं वो अगर आएंगे तो उनको माला मैं पहुँचा दूँगा। तो चलिए पूरे व्लॉग में बनी रहेगा। राधे राधे। पहले तो मुझे लगा था कि मैं नहीं जा पाऊँगा जगन्नाथ जी, पर अब मैं फाइनली जा रहा हूँ। 4:30 बजे की फ़्लाइट है। तो हुआ क्या, सुबह मैं उठा, मेरी मॉर्निंग में 5:30 बजे की फ़्लाइट थी और पापा का मेरे पास सडन कॉल आ गया कि घर वापस आ जा। तो फिर मैंने वहीं से टर्न करी क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर पापा को सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद घर ले आए। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, अब ठीक है पापा। तो पापा ने ही ज़बरदस्ती मुझे बोला कि तू जा, जिस कार्य के लिए जा रहा था। तो फाइनली टिकट करवा दिया पापा की कृपा से और हमारे जगन्नाथ जी की लीला। राधे। शाम तो हम पहुंचने वाले हैं अभी एयरपोर्ट और 4:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। और इससे पहले ये मैंने एक गिफ्ट निकाला है भैया के लिए, तो ये भैया को देंगे हम। भैया की बहुत रुचि है भगवान में, अभी बात हुई है काफ़ी सारी। त्रिपुरा से ना भैया आप? त्रिपुरा से हैं और ये वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं। वीडियोज़ वगैरह देखते हैं भैया? तो इनको आज हम गिफ्ट देंगे माला। तो ये भी नाम जप करना शुरू करेंगे आज से ठाकुर जी कृपा से और आनंद लेंगे ये भी भैया भी। तो बोर्डिंग पास मिल गया है और अभी 52 नंबर गेट पे मुझे जाना है। फिर वहीं से हमारी फ़्लाइट है भुवनेश्वर की, फिर वहाँ से हम जाएंगे धाम, जगन्नाथपुरी धाम। तो अभी फ़िलहाल 2:30 बज चुके हैं और अभी वक्त है, 4:30 बजे फ़्लाइट अपनी निकलेगी। तो जब तक वेट करेंगे और नाम जप करेंगे। राधे श्याम। तो मैं हूँ अभी एयरपोर्ट में और हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम। तो प्रभु जी मिले हैं तो उनसे पता करेंगे, उनको माला दिया शिव जी कृपा से, तो कैसा फील हो रहा है? हाउ डू यू फील प्रभु जी? हेलो, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। माला इज देयर एंड कवर आल्सो इज देयर, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर सैटिस्फैक्शन ऑफ दिस माला। थैंक्स फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड थैंक्स फॉर जय जय श्री राधे। तो सब राधा रानी की कृपा से हो पा रहा है और आप लोग भी आनंद लीजिए। राधे भैया को माला दिलाएगी और वहाँ पर सामने एक प्रभु जी हैं, उनको भी माला दी शिव जी कृपा से। और अभी 4:30 बजे हमारी फ़्लाइट यहाँ से निकलेगी। तो अभी हम वेटिंग एरिया पर बैठे हैं, फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, कैसा लग रहा आपको माला? आपसे मिलकर बहुत खुशी लगा और माला से तो बहुत संतुष्टि मिला। भैया रहने वाले भुवनेश्वर के हैं और रहने वाला हूँ। सो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हमारी फ़्लाइट अब तैयार है जाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ और यहाँ से फिर हम सीधा जाएंगे पुरी धाम, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद सीधा पुरी धाम। और एक भैया मिले हैं तो उन्होंने बोला है कि वो मुझे पुरी धाम तक ड्रॉप कर देंगे, पीछे चल रहे हैं। और बड़ी कृपा है राधा रानी की, हमारे जगन्नाथ भगवान की, सब व्यवस्था कर देता है भगवान। आप बस चलने के लिए तैयार तो करिए, चलने के लिए तैयारी करिए, आपके सब दुख हर लेगा और आपकी सब व्यवस्था कर देगा। राधे राधे। बस कुछ देर में अब फ्लाइट चल जाएगी यहाँ से, 4:15 हो चुके हैं, 4:40 की है। और उसके बाद 6:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा भुवनेश्वर, 6:30 या 7:45 बजे तक। फिर उसके बाद पुरी धाम और आनंद आने वाला है और आप लोगों को दर्शन कर पाएंगे हम। और अभी भैया मिले थे, बड़ा आनंद आया क्योंकि आज मैंने आते ही शिव जी कृपा से पहले ड्राइवर जो थे हमारे ऊपर वाले उनको माला दी, फिर दो भैया और मिले उनको दी। बड़ी कृपा है, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, आज क्या बात है, आनंद हो। राधे राधे। तो फाइनली अब हम चल दिए हैं यहाँ से और कुछ 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा भुवनेश्वर और फिर जगन्नाथ पुरी धाम, फिर आप लोगों को दर्शन भी करवाएंगे। जय जय। घंटे के सफ़र के बाद मैं आ गया हूँ भुवनेश्वर और अब यहाँ से जाएंगे हम उड़ीसा पुरी। तो मैं बताता हूँ आपको, भुवनेश्वर से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, कहाँ से बस मिलती है। उसके बाद यहाँ से मिल जाएगी आपको टैक्सी आगे जाके और वहाँ से आपको जाना है बरमुंडा, फिर बरमुंडा से आपको मिलेगी बस पुरी के लिए। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। तो 150 रुपये में हो गया हमारा बरमुंडा का ऑटो और फिर यहाँ से हम जाएंगे
बरमुंडा स्टैंड, फिर वहाँ से पुरी के लिए पकड़ेंगे बस। इस स्टैंड का नाम है बरमुंडा, तो यहाँ से बस मिलती है हमें पुरी के लिए, और यहाँ से 1.5 घंटा लगभग पुरी के लिए लगता है। तो अभी बड़ा आनंद आने वाला है, पुरी पहुँच जाऊँगा मैं 1.5 घंटे में। अभी हो रहा है 7:30, 8:30-9 बजे मैं पुरी पहुँच जाऊँगा। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। मैं आपको दिखाता हूं मैं कहां पर खड़ा हूं, बस स्टैंड पुरी का। अब इसके बाद मुझे जाना है गेस्ट हाउस, देखते हैं ऑटो देखते हैं। यहां पर महाप्रभु गेस्ट हाउस, देखते हैं ऑटो कहां से मिलेगा। जय जगन्नाथ। प्रभु ये देखो जगन्नाथपुरी में कैसे आ? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं यहाँ रायपुर इस्कॉन की तरफ से आया हूँ, हमारा पूरा टीम यहाँ रुका हुआ है, हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर चुके हैं और प्रभु जी से मिलके मुझे बहुत 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 खुशी हुई। हरि बोल। हरि बोल। कहाँ रुके प्रभु जी? यहाँ। तो अभी हम शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चाहिए सामान है हमारे मंदिर। फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं अपने रूम में, अब मैं करूंगा रेस्ट। और फर्स्ट डे दर्शन, इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए। मैं दिखाता हूं मेरे को क्या क्या मिला है यहां पर, मुझे क्या क्या दिया गया है। राधे राधे, प्रसाद दिया गया है और बहुत सारी मुझे आप लोगों के लिए प्रसाद लाऊँ। राधे श्याम। चलिए शुभरात्रि, जय जय श्री राधे।